कुकिंग जंक्शन पे आपका वेलकम। आज मैं काले गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। काले गाजर का हलवा काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी लगता है खाने में। आपने अगर नहीं बनाया तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, और लाल गाजर के हलवा से कहीं ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। यहाँ पे हमने काले गाजर ले लिया है, लगभग 1 केजी लिया है, और इसे हम छील लेंगे। तो इस तरह से हमें छील लेना है। इसे छीलने में थोड़ा हाथ गंदा हो जाता है, तो आप चाहें तो ग्लव्स लगा के भी छील सकते हैं। और इस तरह से हमने सारे को छील लिया है। अब इसे दोनों साइड से कट कर लिया है, और काटने के बाद अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो सारे गाजर को इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम किसी भी गहरे बर्तन में ले डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बारीक वाला कद्दूकस किया है। तो ये गहरे बर्तन ले लेंगे, जो भी बर्तन में आप बनाना चाहें उस बर्तन में बना सकते हैं। और अब इसमें हम फुल क्रीम दूध डालेंगे, 1 केजी, लगभग 1 केजी हमें दूध लिया है। और 1 केजी गाजर में 1 केजी दूध काफ़ी है, लेकिन आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे 1.5 केजी दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम दूध ले लीजिएगा। और इसे अब हम चूल्हा पर चढ़ा देंगे, और चूल्हा पर चढ़ा कर गैस का फ्लेम शुरू में हाई रखेंगे, उसके बाद फिर मीडियम कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें आप पूरा सूख नहीं जाता दूध। और इसे लगभग पकाने में आधा घंटा लग जाता है। मीडियम फ्लेम पे इसे हम आराम से पकने देंगे, गाजर हमारा गल जाएगा और पूरा पानी सूख दूध जो है वो पूरा सूख जाएगा। इसमें आप चाहें तो हरी इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या फिर हरी इलायची डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी इलायची डाला है, और यहाँ पे दूध सारा सूख चुका था, तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 100 ग्राम चीनी डाला है, यानी कटोरी से, एक कटोरी, छोटी कटोरी से। अब ये पूरा चीनी भी पानी छोड़ दिया था और वो भी सूख चुका है, तो इसे हम घी डालेंगे। यहाँ पे देसी घी है, आप देसी घी में हलवा ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से देसी घी डालकर और इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से घी छोड़ने नहीं लगता, और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है तो काफ़ी ब्लर आ गया हुआ है, धुआँ ज़्यादा निकल रहा था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि घी अगर हाथ में आ जाता है तो इसका मतलब कि ये घी छोड़ चुका है और भुन चुका है हमारा हलवा। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गर्म ही गर्म सर्व कर रहे हैं, और ये देखिए जैसे चुकंदर का हलवा होता है ना, तो उसी तरह का देखने में लगे, लेकिन टेस्ट बहुत ही यूनिक टेस्ट के साथ लगता है इसे खाने में। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और ज़रूर से बनाएं। जिसे शरीर में खून की कमी होती है, तो इस काले गाजर के हलवा खाने से खून की कमी भी दूर हो जाती है, और मज़ेदार तो होता ही है। सर्दी के मौसम में कोई भी लाल गाजर या काले गाजर का हलवा तो ज़रूर से एक बार बनाना चाहिए। ये दूध में ही इतना ज़्यादा टेस्टी है कि खोया की मोहताज नहीं है। आप चाहें तो खोया डाल सकते हैं, और ढेर सारा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ना ही ड्राई फ्रूट डाला है अंदर में, और ना ही खोया डाला, फिर भी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप चाहे तो खोया ज़रूर से डालें, लेकिन कोई ज़रूरत इसकी नहीं है।